तुम्हारी शादी कब है? पता नहीं। पता नहीं? रेडी तो लग रही हो। होनी तो चाहिए, लेकिन श्योर नहीं। श्योर नहीं हो? लड़के के बारे में या शादी के बारे में? दोनों। और तुम? सेम। And you're saying that your decision to marry your wife, Kiran, was a really bad one. बिल्कुल, मेरा उसके साथ शादी करने का फैसला उतना ही गलत था जितना कि उसका मेरे साथ। हम साथ मिलकर सिर्फ एक ही फैसला ले पाए कि हम कभी साथ नहीं रह सकते। कोई एक मेजर प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बहुत सी छोटी छोटी सी इरिटेटिंग सी प्रॉब्लम्स थी। Yeah, and when it's not working, जब मैंने ये करियर शुरू किया था तो साल में 2 या 3 डाइवोर्स के केस आया करते थे, पर आजकल तो एक ही दिन में उससे भी कहीं ज्यादा आ जाते हैं। उस वक्त शायद हमारे पास कम था, इसलिए उसकी कदर ज्यादा थी, पर आजकल तुम लोगों के पास काफी चॉइसेस हैं, इसलिए शायद तुम्हें बिल्कुल भी कदर नहीं इसकी है। मैं कुछ बेहतर या कुछ अलग नहीं ढूंढ रही हूँ, और ये फैसला मैंने आसानी से या ऐसे ही नहीं लिया है। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और फिर उन प्रॉब्लम्स को लेकर उन्हें सुधारने की कोशिश करना, उनके बारे में बहस करना, इट्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। इससे बेटर है कि हम आगे बढ़े अपनी लाइफ के साथ। मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी है, और जब मैं जानती हूँ कि ये गलत है, तो मैं इस गलती को क्यों खींचूं? That's the problem with your generation, lacks patience. Divorce has become an easy way out. मिस्टर कपूर, तो अनु तो मैं पर्सनली जानता हूँ, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने ये क्यों उन्हें दिया? जज साहब, जब एक बाप अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो वो इस दिन के बारे में नहीं सोचता, लेकिन अगर आज ऐसा दिन हम पर आ ही गया है तो मैं अपनी बेटी के साथ हूं। Do your parents know what you're up to? Good morning, sir. I mean, good morning, your honor. मैं जय का बाप हूं, और जो भी आपने पॉइंट्स कहे मैं बिल्कुल सहमत हूं आपके साथ, मगर आपकी इजाजत से मैं कुछ कहना चाहता हूं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज की जो नई पीढ़ी है, ऑल द यंगस्टर्स हमेशा किसी चीज के खोज में है, और जब भी उन्हें वो मिल जाता है उन्हें कुछ और चाहिए, और कभी तो उनको ये भी नहीं मालूम होता है कि उनको क्या चाहिए, मगर इतना जरूर मालूम है उनको कि उन्हें कुछ चाहिए। Do you have a point that you were trying to make? Yes, Your Honor. The point that he's trying to make is that it's a matter of personal choices. Ye unka apna choice hona chahiye. Yes. And who are you? I'm Jay's father. I thought he was his father. I'm Jay's father. And so who are you? You see, we are both Jay's fathers. We're a couple. I see. Jaise mere baap kehte hain, sawal choices ka hai. Now let's talk settlement. जब जिंदगी साथ में सेटल नहीं हो पाई तो फिर किसी और सेटलमेंट से क्या होगा? मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। 50% मुझे बस उतना ही चाहिए, ना एक पाउंड कम ना एक पाउंड ज्यादा। मैंने कहा था ना, औरतों को ट्रस्ट मत करो। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्सक्यूज मी, तुमने कभी सुना है कि किसी मर्द ने औरत से सेटलमेंट मांगा? आप श्योर हैं आपको कोई सेटलमेंट नहीं चाहिए? And finally, after hearing both the sides, this court has decided to accept the plea of divorce. By the mutual consent in the two parties, mentioned herewith, Miss Kajal Kapoor and Mr. Jai Khanna. बेटा, सुनील दत्त साहब का एक गाना था, न सर झुका के जियो न मुंह छुपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। That's my girl, that's my बच्चा। आ चल घर चले। I don't understand you. तुम्हारी बीवी ने तुम्हें धोखा दिया, उसे कुछ भी नहीं देना पड़ता। फली, मैं कभी उसे प्यार करता था,
और जिन्हें हम प्यार करते ना उन्हें इस तरह सबके सामने जलील नहीं किया करते। That's my boy. Bye, Pali. प्यार के बारे में कुछ कुछ समझने लगा है। डैड ये प्यार के बारे में नहीं है, ये सब प्रूव करना ना कि she cheated on me and all that, बहुत टाइम जाता है। ऐसे अभी केस खत्म, फिनिश्ड, ओवर। तो वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा मैं ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ की बात हूँ। अभी आपकी लाइफ है। डैड I've just got divorced. Abhi mera divorce hua hai. Thoda to jeene do yaar. He's just got unsettled, Mikey. Just let him breathe a bit. Thank you. Bye bye. I don't understand. Mujhe samajh mein nahi aata. Aajkal tum mujhe tukte hi rehte ho. You never agree with people on anything. Oh, Mikey, don't sulk. It's not about you. It's about him. Come on, we've got to shoot. I don't know. Aajkal tum meri ek nahi sunte ho. Aaj hi uska divorce hua hai aur tum shoot plan kar rahe ho. Mikey, वो अपने काम पे गया है। काम 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 काम, बिल्कुल अपने बाप पे गया। कौन से? You silly. कोई बात नहीं बेटा, अगर मेरे पास भी डाइवोर्स का ऑप्शन होता ना तो I would have divorced him also. दिन भर पीछे से पौंपों और सामने से टकार मारते रहते। घबराहट सी
होती है बिन बात के सिर हंसी कुछ होती सजेंगी दोबारा वही महफिलें फिर से प्रॉब्लम क्या है? जितने भी अच्छे लड़के हैं उनकी या तो शादी हो चुकी है या फिर वो किसी के साथ है या फिर गे है। नो। तो क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि उन अच्छे लड़कों को अच्छी लड़कियां नहीं मिली है? नो सिली, मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छी लड़कियां अच्छे लड़कों से थोड़ी ज्यादा है, दैट्स व्हाई सिंगल लड़कियां थोड़ी ज्यादा है। ऐसे भी हो सकता है कि लड़के ज्यादा सिलेक्टिव नहीं है। एक लड़के से ये बात सुनकर अच्छा लगा, but I guess you're right, लड़कों में इन मामलों में क्वालिटी कंट्रोल थोड़ा कम होता है। वहां ढूंढ रही हो और मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अरे जरा मुड़ के तो देखो, मैं इधर ही खड़ा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि पहली मुलाकात के पहले कुछ पलों में ही लड़कियां ये डिसाइड कर लेती हैं कि उन्हें हमारे साथ करना क्या है, मैरी हिम, किल हिम। और मैंने कभी ये पहले नहीं किया। अच्छा, लगाने की पहली बार कर रही हो? Shut up. That's not what I meant. Tell me something. What's the number? तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर नहीं है? तो मुझे याद है मैंने पहले मीटिंग के पहले कुछ मिनटों में तुम्हें नंबर दिया था। You really want to play this game, don't you? मेरे पास वैसे ऐसे और भी गेम्स हैं खेलने के लिए, लेकिन जरा 15-20 मिनट और दे दो, फिर और गेम खेल सकते हैं। मेरा मतलब ये था कि तुम कितनी लड़कियों के साथ, एक्चुअली वेट, इन योर केस तुमने कितनी लड़कियों को सोने नहीं दिया। देखो, कोई भी ये बातें ना सच सच नहीं बताता। लड़के जो हैं बड़ा चढ़ा कर बताएंगे और लड़कियां घटा कर, सब झूठी बोलते हैं। और वैसे भी कोई भी लड़का किसी भी लड़की का सही नंबर बिल्कुल नहीं जानना चाहता है, नो वे। और तुम ऑलरेडी मेरे नंबर के बारे में सोच रहे हो। इट्स रिटन ऑल ओवर योर फेस, डार्लिंग। क्या तुम मुझे सच सच अपना नंबर बताओगी? यस आई विल। अगर तुम मुझे सच सच बताओगे तो मैं नहीं बता सकता यार, अ जेंटलमैन नेवर किसेस एंड टेल्स, सॉरी। ओह, नाइस आंसर। आई वांट टेल यू माय नंबर। ओके, माय नंबर। डोंट वरी, हियर योर नंबर। सात। यू नो, पता है मैं ये नंबर नंबर के चक्कर में क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आजकल कुछ लास्ट ही नहीं करता यार। ऐसे में किस पर भरोसा किया जाए, किस पर नहीं, क्या पता। मैं अपना सही नंबर उसे बताना चाहता हूँ जो मेरे सारे नंबर रोक ले, जो मेरी लाइफ की आखिरी हो, उसे अपना नंबर बताऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। Thank you.
और ये है मेरा नया ऑफिस। मैं यहाँ पर आर्ट क्यूरेट करती हूँ, यानी कि मैं आर्ट डीलर। अरे वाह बेटा, तू तो बड़ी जल्दी सेटल हो गई। पता चले अगली बार तू हमें मिलेगी तो यू विल बी टॉकिंग टू अस इन ब्रिटिश एक्सेंट एंड कॉलिंग मी डैड। ओ जी, तू बड़ी सोनी लग रही है लंदन जाके। और तेरा कलर भी कितना फेयर हो गया दीपा। तू अपनी नई फोटो भेजना, वो भारतीय मैट्रिमोनियल में ना मैं उसको अपलोड कर दूंगी। और वो पर्सनल डिटेल में क्या होता है ना उसमें मैं लिख दूंगी, फ्रॉम सावली टू फेयर। सुनना, वो मिसेस रस्तोगी है ना, अरे अरे मेरी सत्संग वाली फ्रेंड, उसके बेटे का भी डिवोर्स हो गया है। पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सेम टू सेम। पर चलो मेरे काजल के दो दो बच्चे नहीं है, पर उसमें एक फायदा है, रेडीमेड फैमिली मिल जाती है। और नो लेबर पेंस, ओनली गेंस ही गेंस। माँ प्लीज, मुझे किसी की नई मम्मी नहीं बनना है। ओके okay? क्या मेरी बेटी के लिए यही मिला तुम्हें? बेटा इग्नोर दिस वुमन, शी इज नॉट यू टू इग्नोर मी। तू ना अपने बच्चे पर्सनल पैदा कर ले। बच्चों की बात कर रही है, लड़की लाइन में आ रही है। अच्छा सुन, मैंने ना तेरे बैग में एक पैकेट रखा है बेटा, वो मेरी फ्रेंड है ना मिसेस वर्मा। अरे जिम वाली, उसकी ग्रैंड डॉटर ना लंदन में पढ़ती है, वो जाके ना उसको वो पैकेट दे देना। हाँ, ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन, ये फिर कोई नया तरीका है ना मुझे किसी से मिलवाने का? हाँ बेटा, आई एम टेलिंग यू, डोंट यू ट्रस्ट दिस वुमन। अच्छा गाइस प्लीज, मेरी एग्जीबिशन अभी शुरू होने वाली है, मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। ओके, लव यू। व्हाट इज दिस अबाउट ट्रस्ट द वुमन? हाँ दौर की, मैं आई विल डील विद यू सेपरेट। बंद करो उसको। थैंक यू। यहाँ आर्ट देखने आए हैं या कुछ और? हाय, एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं यहाँ आर्ट देखने और खरीदने आया हूँ। लग तो नहीं रहा। ओह, आपको लगा कि मैं आपको देख रहा था? शायद मैं आपके पीछे पेंटिंग को देख रहा था और आप बीच में खड़ी थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको ही देख रहा था। दैट्स वेरी रूड, किसी को ऐसे घूरना। ओह, तूने चुपके से देखना ठीक है। नो, वो भी गलत है। देखिए आई एम सॉरी, मुझे बहुत काम है, अगर आपको कोई पेंटिंग खरीदनी है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी एक पेंटिंग खरीद ली है, मैं बस ये देख रहा था कि इसे अपने घर पे कहाँ टांगू। मिस्टर जय खन्ना? या, दैट्स मी। आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू बी रूड, इट्स जस्ट अगर कोई रूड था तो वो मैं था, लेकिन मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। आप हाल ही में यहाँ आई हैं ना? हाँ, कुछ ही दिन हुए हैं। लंदन आने का फैसला आपने अपने डिवोर्स के बाद किया? आई एम सॉरी। आपकी रिंग फिंगर पर एक निशान है जो अंगूठी को बहुत दिन पहनने के बाद ही आता है, तो आप कोई डिटेक्टिव है? आई विश, लेकिन मैं कोई डिटेक्टिव एजेंसी नहीं, एड एजेंसी चलाता हूँ। वेरी परसेप्टिव। और हाल ही में डिवोर्स हुआ है। तो कितने दिन हुए? आप कभी गिव अप नहीं करते? सॉरी, मैं इस बार डिवोर्स के बारे में नहीं पूछ रहा था, मैं सच्ची ये पूछ रहा था कि लंदन आए हुए आपको कितना टाइम हुआ? सॉरी, लंदन आए हुए 2 हफ्ते और डिवोर्स को 5 महीने। वाओ, इतनी जल्दी आप सेटल हो गई और इतनी आसानी से एक अजनबी के साथ आप अपने डिवोर्स के बारे में भी बात कर रही हैं?
ये अजनबी मुझे कोई और मौका देता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस अजनबी के भी 5 महीने हो गए। I'm sorry, I mean, क्या कहूँ मैं? Congratulations. बिल्कुल, पता नहीं डिवोर्स के लिए कोई congratulations क्यों नहीं कहता है, क्योंकि obvious है कि आप शादी में खुश नहीं थे, इसीलिए डिवोर्स किया, तो congratulations तो बनता ही है, आपको भी और मुझे भी। Cheers to that. You're insane. Anyway, ये आपकी पेंटिंग एग्जीबिशन खत्म होने के बाद घर पे भिजवाता हूँ। आपका ये कहने का मतलब है कि बातें बहुत हो गई, आपको अभी जाना है और मुझे भी जाना चाहिए, राइट? आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं अभी निकल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जाने से पहले आपने अपना नाम नहीं बताया। पिया। आपका भी नाम पिया? पिया। ओह पिया, पिया मेरी मेरी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, हम अभी तो मिले हैं। जस्ट मिनट, हेलो, सॉरी इट कट कट, इसीलिए फोन को कभी साइलेंट पे नहीं रखना चाहिए। तो आई विल सी यू अगेन सम टाइम। क्यों? आपने मुझे चुप करा दिया, यू लेफ्ट मी स्पीचलेस, और मैं आपका नाम भी नहीं जानता। काजल कपूर। सॉरी सॉरी, हाय काजल, आई मीन हाय पिया। नो बाय। No, not bye. I just said hi to you. Madam, your phone was ringing. Oh, thank you. Here you go. Parminder. पिया, सॉरी तुम्हें पहचाना नहीं, स्कूल में मेरी सीनियर थी। नहीं, मैंने तुम्हारी पिक्चर जय के फोन पर देखी थी। ओ, तुम जय के फोन तक कैसे पहुंचे? इवन आई हैवंट मैनेज्ड टू डू दैट। हैंग ऑन, व्हाट आर यू, एक्स गर्लफ्रेंड एक्स वाइफ? नो 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 नो, वो मेरी आर्ट गैलरी में आया था, उसका फोन बजा एंड योर पिक्चर केम अप। एनीवे, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक्चुअली मैं किसी परमिंदर से मिलने आई हूँ, उसके ग्रैनी ने मेरे मॉम के थ्रू एक पैकेज भेजा है। तो आई एम परमिंदर। योर परमिंदर? आई होप कि ये कोई अरेंज मैरिज सेटअप नहीं है मेरे किसी भाई के लिए। ऑफ कोर्स इट इज, दैट्स ऑल राइट। वैसे भी मेरा भाई निक तुमको नहीं मिलेगा। थैंक गॉड, आई मीन आई डोंट माइंड मीटिंग हिम, बट रिलैक्स, काम डाउन। वैसे भी निक एक इंग्लिश लड़की को डेट कर रहा है, पर देन ग्रैनी वांट्स अ देसी गर्ल, तो हर एक दिन एक किसी सोनी लड़की के हाथ एक पैकेज तो आ जाता है। सो बेसिकली तुम सिंगल हो और अपनी शादी के लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढ रही हो। मेरा तो नहीं पता, लेकिन तुम और जय दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, सीधे पॉइंट पर आ जाते हो। और तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि हाँ, मैं सिंगल हूँ, लेकिन आई एम नॉट लुकिंग टू मीट एनीवन राइट नाउ, जस्ट गॉट आउट ऑफ अ डिवोर्स। कितने महीने हुए डिवोर्स को? 5 महीने। So post your divorce, have you like gone completely wild? You know, एक के बाद एक लड़का आएगा। कुछ नहीं, कोई नहीं। And I don't believe कि मैं तुम्हारे साथ ये सब share कर रही हूँ। Are you trying to say पिछले कुछ महीनों से कुछ भी नहीं? Divorce से कुछ महीने पहले से भी। That's like forever. Tell me about it. I'm almost re-virginized. Ouch, that's painful. Will be the next time. माल चाहिए? कितने में मिलेगा? सीरियसली, मेरे पास बहुत अच्छा माल है। नो थैंक यू, और वैसे भी अच्छा वाला माल तो तुम रखती और मुझे एवे वाला माल देती। सुन लो, थैंक यू, पॉइंट नोटेड। एंड स्पीकिंग ऑफ व्हाट माल आई हैव केप्ट फॉर मायसेल्फ, मैं अपने माल से मिलने जा रही हूँ, सो व्हाई डोंट यू कम अलोंग? मी? व्हाई? एक्चुअली प्रॉब्लम लड़कों में नहीं है, शायद तुम गलत जगह पर देख रही हो। अच्छा, तो मुझे कहाँ देखना चाहिए? मेरा नाम विजय दीवान है, मैं 45 साल का हूँ, बड़े अच्छे पैसे कमा लेता हूँ, मैं एक ब्राइड ढूंढ रहा हूँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, जो सनी, विंडी और क्लाउडी का ख्याल रखे। मम्मी। नो, थैंक यू। एक और भैया। व्हाट? रंजी सोनिया, मुझे लगता है तुम्हारी शादी टूटने के बाद तुमने ज्यादा फन नहीं किया होगा, मैं तुम्हें थोड़ा फन देने आया हूँ। Do it, baby. What?
जय, मैं सोच रही थी कि हमें काजल को इंटरेस्टिंग लोगों से मिलवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लंदन शिफ्ट हुई है और शी सिंगल। वाओ, क्या मैं इतनी डेस्परेट साउंड करती हूँ? हाँ, लेकिन ठीक है। हाँ, लेकिन ठीक है मतलब हाउ इज इट ओके टू साउंड डेस्परेट? एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था आपका? ओके, मेरा मतलब वही था। It does sound a little desperate. कि तुम किसी और को कहो कि वो तुम्हें किसी और से मिलाएं। It's like, you know, hello Mr. X, this is Kajal. Hello Kajal, this is Mr. X. तुम दोनों सिंगल हो, अब चलो देखते हैं तुम दोनों के बीच में कुछ होता है कि नहीं। Look, ऐसा बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसा नहीं है, but it is almost like that only, ना? कि single, single, mingle, mingle. Come on, hurry up, don't waste time. Well, I guess you're right. अच्छा तो तुम ही बताओ कि किसी को मिलने का और क्या तरीका है? कितने तरीके हैं, जैसे हम मिले एट एन एयरपोर्ट, जैसे हम मिले एट एन आर्ट गैलरी, जैसे तुम दोनों मिले एट अ बुक स्टॉल। ये नेचुरल भी है और रोमांटिक भी। रोमांटिक तो है, लेकिन आई विश कि किसी को मिलना इतना आसान होता। यू नो, ये जो दुनिया है ना, ये तुम्हारी विश ग्रांट करने के लिए नहीं बनी है। पर मैं ज्यादा थोड़ी ना कुछ मांग रही हूँ, बस किसी का साथ। Hey, work call. Excuse me, guys. Work Hi, call. Jessica. Shakespeare phone कर रहा है क्या तुम्हें? Yeah, has a consignment come in from Penguin. देखो, तुम ये जो कर रहे हो ना, इसे बंद करो। क्या कर रहा हूँ? ये जो तुम मेरे साथ silent flirt कर रहे हो। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस हो रहा है। मैं सिर्फ react कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि हम अपने हर feelings पर react करें, okay? क्यों? अच्छा, इसका ये मतलब भी हुआ कि तुम भी कुछ feel कर रही हो, लेकिन उस पर react नहीं कर रही। I said stop it, just stop it. Pia tumhari girlfriend hai, to ye sab band karo, okay? Okay. Thank you. Thank you for what? Kajal, tum Pia ko batana chahogi ki tum mujhe kyun thank kar rahi thi? Kuch nahi Pia. I was just telling Jay ki wo ek brat hai and he should stop being one. Jay, you're bad. I'm not bad, sweetheart, but I'm not even good. I'm just a work in progress. Cheers to that. No more. One more. One more. Yeah, sure. No more for me. बदमाश है शैतानिया नई सी रोज करे, ये दिल जो है बदमाश है शैतानिया नई सी रोज करे, गुजर जाता है जाना होता है इस तरफ, देखो किस तरफ जाता है। the
बाय बाय। पिया, पिया का घर उस तरफ है, तुम्हारा घर उस तरफ है और मेरा भी घर उस तरफ है। चल। Follow me. तुम जानते हो गलत क्या? मैं इतनी छोटी नहीं हूँ कि मैं लड़की हूँ और मेरी रिंग और ना मैं इतनी बड़ी हूँ कि मैं औरत बनूँ। तो मैं ना लड़की और औरत के बीच में कहीं फंस गई हूँ। तुम कोई बात नहीं, let it be. अरे नहीं, तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। समझाओ। पता क्यों? क्यों? तुमको तो अपनी आधी उम्र से, तुम्हारी उम्र की आधी उम्र से लड़की मिल जाएगी, मतलब मिल गई। मिल गई, पिया। मुझे कब मिलेगी? एक बात बताओ, तुम्हें अपनी उम्र से आधी उम्र की लड़की चाहिए? Naughty girl, you are like that. I didn't know. You know what I mean. I know what you mean. लेकिन my dear cousin, तुम इतनी यंग हो कि अगर तुम्हें अपनी उम्र से आधी उम्र का लड़का मिला ना, तो तुम सीधा जेल जाओगी for child molestation. Why are you being so nice to me? Why? Tell me. Do you want to get into my pants too? Naughty, naughty boy. Naughty. देखो, पहली बात तो ये है, हम दोनों तुम्हारे पैंट्स में फिट नहीं होंगे, बहुत टाइट होंगे। और अगर फिट भी होगा ना, तो करने के लिए कुछ जगह नहीं होगा। So if I want to do something with you, I will get you out of your pants. लेकिन मुझे एक बात का क्रेडिट तुमको देना पड़ेगा। दो ना, दो। मेरे ना कहने के बाद तुमने दोबारा कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे प्रॉब्लम है। तुमने ट्राई क्यों नहीं किया? क्या मैं हॉट नहीं हूँ? क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ? क्यों? क्यों? अच्छा ठीक है, तो तुम चाहती हो कि मैं दोबारा ट्राई करूँ? नो जी, नो, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। तुमने ट्राई क्यों नहीं किया? तुमने देखो, ये जो है ना, तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर आ गया है, लेट अस गो। हाय हाउस, हाय हाउस, हाउस, रॉन्ग हाउस, दैट इज नॉट योर हाउस, यू आर ड्रंक। बाय हाउस। तुम्हें लगता है कि हम डिवोर्स लड़कियां बहुत इजी होती है? नहीं। और अगर हम इजी नहीं है तो देन वी आर अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, aren't we? वी आर अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। और मेरी उम्र के तो सभी लड़कों की शादी हो गई है, तो मेरे लिए कौन बचा? कौन बचा मेरे लिए? तुमसे भी बूढ़े जिनके 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो जिंदगी भर मुझे ही कोसते रहेंगे। तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी? तुम तो एक डिवोर्स लड़के होने में बड़े मजे ले रहे हो, है ना? है ना? ये देखो, अभी भी तुम इतनी रात गए एक ड्रंक लड़की के साथ उसके बेडरूम में क्या कर रहे हो? जाता हूँ। नहीं, नहीं, but एक और प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? कि तुम होने में इतना बिजी हो कि तुम्हें पता ही नहीं है। क्या नहीं पता? कि तुम कि मैं हैं? कि तुम कितने कि मैं कितना कि तुम कितने नहीं, इधर नहीं, इधर
नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। Go. What? Go. Look after you. Please go. No more. I need to see. Yeah, yeah, yeah. I'm not seeing. I'm not seeing. Sanjana, you got to check with Vinny before you... Excuse me. Hi. Hi. Oh. Thank you. Thank you for everything. So embarrassed ho rahe ho. You know, this is really funny. Raat ke baad mujhe embarrassed feel karna chahiye, na ki tumhe. Okay, can we stop now? No, but seriously, you were very sweet. आज तक मेरा इतना ख्याल किसी ने नहीं रखा। कॉफी पीने चलें कहीं? Okay. फिर से खूबसूरत हो, fun to be with, intelligent भी हो। Thank you. You're welcome. तो फिर हुआ क्या? क्या हुआ मतलब? I mean, तुम्हारी शादी में what went wrong? तो अब हम अपने रिश्ते में वहाँ पहुँच गए जहाँ पर हम एक दूसरे से अपना बात शेयर करेंगे। क्यों नहीं? अब जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में बात करके क्या फायदा? और वैसे भी उसके बारे में बात करना इज लाइक शुरू हो गई अपनी दुख भरी कहानी लेकर। दुख हमें बदलते या तोड़ते नहीं है, हमें अपने आप से मिलाते। और मुझे अपने आप से मिलाने के बाद तुम मुझसे मिलना चाहोगे, राइट? ऐसा ही कुछ। ओके, शादी हुई? अरेंज्ड या लव? लव। और अजीब बात ये है कि सबसे पहले प्यारी खत्म हो गई। और उसके बाद क्या खत्म हुआ? सेक्स? एक्चुअली यस, ऑलवेज। पहले सब ठीक था, फिर ना करने का कोई भी बहाना, मतलब लेट नाइट मूवीज जाना, बेवजह लोगों को घर में बुलाना, बेसिकली ना करने का कोई भी बहाना। शादी के कुछ ही दिन बाद सेक्स क्यों मर जाता है? You know, I don't know. I really don't understand. शादी करते हुए हमें ये कोई नहीं बताता, लेकिन ये एक ऐसा सच है जिसे हर शादीशुदा कपल ने चुपचाप एक्सेप्ट किया। लेकिन तुमने एक्सेप्ट नहीं किया और अपनी शादी तोड़ दी। No way. Shut up. Actually, उसे लगा कि वो एक ऐसी लड़की से शादी कर रहा है जो सिर्फ उसे बच्चे पैदा करके देगी, जो उसकी माँ की तरह खाना बनाएगी, उसकी बहन की तरह कपड़े पहनेगी। You know, I don't understand कि इंडियन मैन अपनी माँ से इतना ऑब्सेस्ड क्यों होते हैं। आई मीन आई लव माई फादर, बट मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरा पति मेरे डैड जैसा हो। Anyway, मुझे नहीं लगा कि मैं उसकी माँ की तरह या उसकी बहन की तरह बन पाऊँ। So, I just left. Good. 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 हम जिससे प्यार करते हैं ना, हम उन्हें बदलना क्यों चाहते हैं, ये बात मैं कभी नहीं समझा। जो जैसा था, हमें उनसे वैसे ही प्यार हुआ ना, और अगर हम उन्हें बदलते गए, फिर वो नहीं रहेंगे जिनसे हमने प्यार किया। True. लेकिन हर कोई ऐसा नहीं सोचता। मुझे सिर्फ ये कहा गया कि तुमने उसे छोड़ा, तुमने अपना शेयर नहीं लिया। तुमने अपना शेयर नहीं लिया?
वाओ, क्यों? अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारा सब कुछ एक दूसरे का होता है, लेकिन जब प्यार ही नहीं रहा तो हम उस रिश्ते की क्या वैल्यू लगाएं? अगर मेरी बीवी की सोच तुम जैसी होती ना तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। तो तुम्हारे हिसाब से मिस्टर राइट किसे कहते हैं, और ऐसा कोई एग्जिस्ट भी करता है? बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरे हिसाब से मिस्टर राइट वो है जिसके लिए बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ करने का मन करे। नाइस। अब तुम बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मैं अपने पेरेंट्स के स्टूडियो के पास ही हूँ, कम एंड मीट देम। नो, प्लीज गो अहेड, आई कैरी ऑन। Give me attitude. Use a lollipop. Yes, I love it. Oh, look who's here. Hey, Ooh. Dad, this is Kajal. Kajal, my dad. Hi, Kajal. Hi. Your dad's a photographer. Mm. Yes, honey. The best in the world. That is awesome, uncle. Oh, sweetheart, no one calls me uncle. Just call me Krish. Hi, Sunny. Iski mat suno. You can call me uncle. And that is my other father. Mike, how do you do? Lovely to meet you. Mwah. So that's your dad, and that's your dad too. That's right. Super. तुम पुराने हिंदी गाने सुनते हो? क्यों? मैं क्यों नहीं हिंदी गाने सुन सकता? I mean, तुम ऐसे अंग्रेज टाइप हो ना, तो मुझे लगा नहीं था कि तुम। Darling, जब ये रोता था ना, only Kishore Kumar's yodeling would shut him up. Oh, that's so cute. But darling, you're so wonderful. मुझे बस तुम्हारी जैसी बेटी चाहिए, मगर इसको गोद लेने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा। यहाँ पर? इंडिया में गे कपल को जिस तरह के हमारा रिश्ता है, गोद लेने की मनाही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मैं आप दोनों की चॉइस नहीं, मजबूरी था। Makes me feel so loved. नहीं बेटा, not at all. मगर बेटा तब तक बेटा रहता है जब तक उसे बीवी ना मिले। जय, I like her. She's on. No. Oh, one minute. Dad, मैं इसे डेट नहीं कर रहा हूँ, मैं पिया को डेट कर रहा हूँ। Yes. What? Who is Pia? Pia एक बहुत स्वीट सी लड़की है और आप लोगों को उसे जरूर मिलना चाहिए। Okay. You've met. I don't get this. What's going on here? What's going on? क्या यार, कुछ नहीं, मैं पिया को डेट कर रहा हूँ, हम काजल को मिले, हम तीनों में दोस्ती हो गई, that's it. Mikey, so threesome. I love it. Listen, I'm sorry about these guys. Will you calm down? They're joking, मजाक कर रहे। मैंने कहा था ना, बेटा अपने पेरेंट्स को उस तरह नहीं समझ सकता जिस तरह की बेटी समझती है। बिना जाने मैंने आप लोगों को इतना मिस किया, कहाँ थे आप लोग? Darling, I have missed you as well. बस मैं तो इतना ही जानता हूँ कि मैं तुम्हें अडॉप्ट करूंगा। हो गई अडॉप्शन आपकी, अब हमें निकलना चाहिए, बहुत हो गया। केजे, you forget him. Just come whenever you feel like, okay? आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही आ जाऊँ। You are always welcome. Now, who is this Pia? How come we haven't heard about her? Pia और हमें जाना चाहिए। काजल, let's go. Come on, we have to go. जय Hello. Bye. I'll see you soon. Bye. It was lovely meeting you. Bye. Beta, what is this? Okay, bye. Hi, Pia. Hey, lunch tomorrow? Jay aur mere saath? Yeah, sure. Bye. तुमने जो ये किया ना, बहुत गलत किया। क्या किया मैंने? तुमने पिया को क्यों नहीं बताया कि हम साथ में हैं? मैंने ये भी तो नहीं बताया कि हम साथ में नहीं हैं। जय, तुम्हें पता है मैं क्या बोल रही हूँ? क्यों, ये छोटी छोटी बातें छुपाने से ही बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये छोटी चीजें बताने से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जय, तुम okay, you know what? आर्ग्यू नहीं करते। तुम्हें देखना क्या होता कि अगर मैं पिया को बताता कि हम साथ में थे। हाँ। और बताए सबसे मजेदार बात क्या थी, जब तुमने मुझे फोन किया ना, काजल मेरे साथ में ही थी। रियली? तुम दोनों शायद इसलिए साथ में थे क्योंकि काजल तुम्हें थैंक यू कहने गई होगी। क्योंकि पिछली रात तुमने इसका इतना ख्याल रखा था। पिया, डू यू वांट टू कम टू द लू? या
गुड आइडिया। एक बात बताओ, तुम लड़कियां हमेशा साथ में बाथरूम क्यों जाती हो? हालांकि इट मेक्स मोर सेंस कि हम लड़के साथ में जाएं, क्योंकि एटलीस्ट हम साथ में खड़े तो रह सकेंगे। दैट्स जस्ट डिस्गस्टिंग, शट अप, कम ऑन पेपर। बाथरूम जाना डिस्गस्टिंग कब से हो गया यार? उसके पेरेंट्स को मिलना छोड़ो, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स भी हैं। हम तो कभी ज्यादा बात ही नहीं करते हैं, लेकिन तुम दोनों को देखो, टिश्यू पेपर को लेके एक घंटे का कॉन्वर्जेशन कर सकते हो, कभी दोस्त ही नहीं बन पाए, सीधा बेड पे। आई नो सब कुछ सही है, लेकिन मुझे और चाहिए। आई वॉन्ट मोर बे, आई वॉन्ट माई लवर टू बी माई बेस्ट फ्रेंड। वॉट आर यू कंप्लेनिंग फॉर? एक्सक्यूज मी। देखो बच्ची, अल्टीमेटली सेक्स तो खत्म होगा ही, ये सब जानते हैं। जब तक है एंजॉय इट। टू मच सेक्स के बारे में कभी कंप्लेन मत करो। पूरी जिंदगी पड़ी है लवर को दोस्त बनाने के लिए और इससे बातें करने के लिए। तुम लोग का तो पता नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना खाते हैं। जय, पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ सोच रही थी। क्या? गाइस, आई थिंक आई शुड लीव। काशल, प्लीज डोंट गो। जय, वी आर नॉट वर्किंग। आई विश उस दिन तुम मेरे घर आए होते मेरा ख्याल रखने के लिए। I was equally drunk, you know. I'm not jealous कि तुम ये सब काजल के लिए कर रहे हो, पर मुझे ये एहसास हो गया कि मेरे लिए तुम में ये फीलिंग सही नहीं। ये नहीं कह रही कि तुम काजल से प्यार करते हो, पर ये जरूर जान गई हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, and that is what bothers me a lot. प्यार? देखो पिया, मुझे नहीं पता तुम ये सब क्यों लेके शुरू हो गई, और हमारे बीच तो अभी तक एक झगड़ा, एक आर्गुमेंट कुछ नहीं हुआ है, तो फिर क्यों ये सब? लेकिन जय, ये भी तो अच्छी बात नहीं है। झगड़ा या आर्गुमेंट भी तो अपनों के साथ ही होता है। मैं तुम्हारे साथ इतनी जल्दी इसलिए थी क्योंकि उतनी ही जल्दी मुझे तुमसे प्यार हुआ, एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर मी तुमने कभी मुझे अपनाया ही नहीं। ठीक है जा। कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती हैं, शायद हम अच्छे ही नहीं हैं। डोंट ओवररिएक्ट। तुम्हें एक बात बताओ, जब हमें लगता है ना कि हम जहां हैं वहां से नीचे नहीं जा सकते, तो लाइफ हमें और भी नीचे ले जाती है, और फिर अचानक हम रियलाइज करते हैं कि हम नीचे नहीं जा रहे, हम एक बेहतर जगह पर जा रहे हैं जिसका रास्ता नीचे से है। I like him, दोनों के पास एक दूसरे के हर सवाल का जवाब है। हेलो। I'm not well। क्या हुआ? I miss her. Actually, मैं उसे miss कर रहा हूँ या किसी के साथ को miss कर रहा हूँ? I'm not sure. तुम सो पाओगे? तुम सो पाओगी? मैं क्यों नहीं सो पाऊँगी? हाँ, ये भी ठीक है। तुम क्यों नहीं सो पाओगी? तुम्हें क्या हुआ है? देखा, I'm not even making sense. Don't talk to me tonight. Good night. अच्छा सुनो, देखो,
तुम सोने की कोशिश करो और अगर नींद ना आए तो मुझे मैसेज करना, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय बाय। हाय। इडियट, अभी नहीं, अगर नींद ना आए तब। नींद नहीं आ रही। शट अप, गुड नाइट। अरे तुमने कहा कि अगर नींद नहीं आई तो आई कैन मैसेज, नींद नहीं आ रही है तो अब मेरे साथ चैट करो, कम ऑन। मैं इतना मैसेज नहीं कर सकती, आई एम नॉट अ गुड एसएमएस। व्हाट? अरे व्हाट व्हाट? और वैसे तुम्हें टेक्स्टिंग से क्या प्रॉब्लम है? टेक्स्ट पर्सनल नहीं होता, बहुत इम्पर्सनल होते हैं। आजकल कोई लेटर्स या कार्ड्स क्यों नहीं भेजता? क्या आज ही कार्ड्स बनना बंद हो गए हैं? पोस्ट में क्या आता है? सिर्फ पिक्स। मुझे याद नहीं है कि कब पिछली बार मैं एक पोस्टमैन को देखकर खुश हुई थी। I know what you're saying. पोस्टमैन अपनी साइकिल पे आ रहा है और बैकग्राउंड में गाना चल रहा है। डाकिया डाकला। Shut up. ये तुम्हारी टेक्नोलॉजी ने ना रोमांस की धज्जियां उड़ा दी है। आजकल लोग फूल भी ईमेल और टेक्स्ट पर भेजते हैं। क्या एक हस्बैंड अपनी वाइफ की हैंडराइटिंग तक पहचानता है? नहीं। और लव लेटर्स को सेक्सटिंग ने रिप्लेस कर दिया है। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड ये एक्सो एक्सो इससे क्या होता है? आई एम सॉरी लेकिन मुझे तुम्हारे ये टकले पीले स्माइलीज बिल्कुल रोमांटिक नहीं लगते। तो ऐसा करते हैं, मैं भी हैंग अप करके तुम्हें एक लेटर लिखता हूँ, उसे एक लिफाफे में डालूंगा, उस पर एक छोटी सी स्टैंप भी डालूंगा और उसे मेल बॉक्स में भी डाल दूंगा और फिर तुम्हारा डाकिया भी तुम्हारे पास आ जाएगा साइकिल पे। बस एक बार इस बिस्तर से निकल जाऊं यार। ओह, आई एम सॉरी। देखो मैं अपनी कहानी लेकर बैठ गई, लेकिन सीरियसली तुम जानते हो ना कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ एज अ फ्रेंड। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम जो ऐसे बोल रही हो ना, आई एम देयर फॉर यू एज अ फ्रेंड। अरे हमसे भी तो पूछो, कुछ और चाहिए भी कि नहीं? शट अप। ओके बाय। ओके वेट वेट वेट, लिसन, अब सीरियस हो रहे कि मेरी बारी है। पता नहीं कब कैसे, लेकिन हाँ हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। Yeah, I guess we have. And I really like that. So, thank you. You know, तुम शायद मेरी लाइफ की पहली अट्रैक्टिव खूबसूरत लड़की होगी, who I've not wanted to sleep with. Okay, I will take that as a compliment. You should. अच्छा अच्छा, एक सेकंड, अब और कुछ नहीं वरना एक और कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। सो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट नाउ, यू वांट समवन स्ट्रेट? ओह डार्लिंग, दैट्स अ बैड जोक, ऑल्दोह इट्स बेटर देन योर एट्रोशियस पाउट। वो मैं इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम काजल के साथ खुश हो ना? हाँ। जय, डू यू फाइंड हॉट? अब लगती है। हैव यू टू, यू नो? नो। आर यू टर्निंग गे नाउ? ओ प्लीज, यू नो आई थिंक यू शुड बी प्राउड ऑफ मी। मैं आज तक किसी भी लड़की के साथ ऐसे रिश्ते में नहीं रहा हूं जहां मैं उसे कुछ भी बता सकता हूं जो मैं और किसी को नहीं बता सकता। I mean, तुम उसे वो कह सकते हो जो हमें नहीं कह सकते? हाँ, क्योंकि उसके साथ मुझे लड़कियों का पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है और मेरे साथ उसे लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, तो ऐसे हम एक दूसरे के लिए ना परफेक्ट है और जो रिश्तों का जो खिटपिट होता है ना विदाउट ऑल दैट। सो आर यू ट्राइंग टू टेल मी दैट यू टेल हर अबाउट ऑल योर अदर वुमेन? जय, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं उसे इंप्रेस करने के चक्कर में थोड़ी ना हूं। I'm not trying to get into my bed. Wow. Now we are proud of you. Hello. I'm here too. Does someone want to do something with me? Just... Ooh, Jay. Do you want to try, honey? Okay. Try kar to. Nahi yaar, bahut chilati hai. Bye. Well, he's either gay or madly in love with this woman. Honey, he's not gay. And about the other woman, I... अब वो उसे हॉट लगने लगी है, अब। So, जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसकी हर चीज पसंद आने लगती है, उसका चाल चलन, तौर तरीका, एवरीथिंग। जैसे पहले मैं तो कभी तुम्हें हॉट नहीं समझता था, ओह गॉड नो, लेकिन ये
धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि actually he is quite hot. Darling, I've always been hot. Right, that's it. I'm done. I'm out of here. What the? सत श्री अकाल मम्मी जी. हाय, दिस इज सो कूल. और तेरे डैड कह रहे हैं कि फ्री में भी है ये. हां जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये वीडियो चैटिंग फ्री है तो ये फोन करने के लिए आईएसडी वाले इतना क्यों चार्ज करते हैं. भाई तुम कहां की बातें लेके बैठ गई. असली बात बताओ ना और लेट मी टॉक टू हर. टेल मी व्हाट. अरे नथिंग, पिछले हफ्ते मिसेस अरोड़ा है ना, उनके बेटे की वाइफ की डेथ हो गई. कोई बच्चे नहीं है. This time it's a case of self-help. मजाक करना बंद करो ना, असली बात बताओ. क्या? अरे कौन सी असली बात? कि उसका हस्बैंड, उसका एक्स हस्बैंड ने दोबारा शादी कर ली. उसने दोबारा शादी कर ली इतने जल्दी. That's why मैं कहती हूँ कि you settle down. दिखा दे, show him. माँ ये competition नहीं है कोई कि कौन जल्दी settle होता है. Are you okay बेटा? I'm fine. मैं आप लोगों से थोड़ी देर में बात करती हूँ. Bye. शादी कर रहा है. सॉरी, मैंने तुम्हें इतनी रात को तंग किया. तो इसलिए मुझे टिश्यू चाहिए. तुमने मुझे इतनी रात को टिश्यू देने के लिए बुलाया? मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ. कोई बात नहीं, आंखें साफ हो जाएंगी. तुम्हें पता है मैं कभी अपने फैमिली के सामने नहीं रोई. मैंने अपने हमेशा मैंने नीचे देखा, अपने आप से कहा कि चुप रह, मत रो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मेरी फैमिली मुझे ऐसे हालत में देखेगी तो उन्हें और दर्द होगा. और मैं उन्हें और दर्द नहीं देना चाहती. कोई बात नहीं, आज थोड़ा अपने लिए रो लो. अगर तुम उसे वापस ले सकती, क्या तुम उसे वापस लेती? किसे? अपने एक्स हस्बैंड को, जिसकी वजह से तुमने इतना रोना शुरू किया. कभी नहीं. तो फिर तुम इतना क्यों रो रही हो? तुम लड़कों के लिए बहुत आसान होता है अपनी उम्र के आधी उम्र से. बहुत बोल दिया तुमने, ये सब छोड़ के चली गई ना मुझे. रितेश ने हमारे डिवोर्स के 6 महीने के बाद फिर से शादी करी. हाँ तो क्या हो गया, देखते हैं ये शादी कितनी देर तक चलती है. नई वाली बीवी को भी बोलेगा मम्मी की तरह खाना बनाओ, बहन की तरह कपड़े पहनो. इडियट. मुझे क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो क्या मैं बहुत डिफिकल्ट हूँ? नहीं, तुम चैलेंजिंग हो. क्या मैं बहुत डिमांडिंग हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम अपना माइंड जानती हो. मैं 40 की होने वाली हूँ. कब? अगले 12 साल में. पर इट्स देयर. और मैं बहुत तेजी से उसके तरफ जा रही हूँ. तुम लड़कों का बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं होता ना. तुम्हें पता है चार्ली चैपलिन ने 71 की एज में अपना लास्ट बच्चा पैदा किया. लेकिन वो उसे अपनी गोद में भी नहीं पकड़ सका, इतना बूढ़ा हो गया था. देखो तुम खामखा पैनिक कर रही हो. अपने आप को देखो, रोते हुए भी कितनी खूबसूरत. सच्ची, आई एम नॉट जोकिंग.
कौन इडियट होगा जो तुम्हारे साथ नहीं होना चाहेगा। तुम ये सब बस इसीलिए मुझे चुप कराने के लिए कह रहे हो? बिल्कुल नहीं, तुम्हें चुप कराने के लिए मैं तुम्हें हक करता हूँ। तुम्हारी शर्ट के लिए हो गई, सॉरी। स्टॉप इट। बनता जा रहा लोग कहते मैं बिगड़ता जा रहा। हो गए जो मेरे वो हालात हो, ओढ़ना चाहूं जिसे वो रात हो। जैसे कॉफी की लत छूटे नहीं, बिन तेरे ये दिन मेरे बीते नहीं। तेरे दर्द भी मुझको मीठे लगते हैं और दुनिया के गम झूठे लगते हैं। तुम हो सफर ऐसा जिस पे निकलता हूँ मैं नींद में अक्सर रोजाना। तुम हो गुनाह ऐसा जिसे जान करके मैं बस कर ही देता हूँ रोजाना।
तुम ऐसे सोते हो ना, पहले धीरे धीरे और फिर झट से, बिल्कुल उसी तरह मुझे तुमसे प्यार हो गया, पहले धीरे धीरे फिर झट से। अब तूने मुझे प्रेशर में डाल दिया है। प्रेशर? अरे तुमने इतनी अच्छी बात कही है, अब मुझे भी कुछ कहना पड़ेगा। क्योंकि आमतौर पर I love you का जवाब I love you से ही दिया जाता है ना। तो बोलो, अब तुम्हारी बारी। सोचने दो यार। Oh shit, my parents. What? Where? On Skype, you idiot. Oh. Hello everybody. बेटा तू ठीक तो है ना? बाल देख। कितने बिखरे हुए हैं? माँ यार रात के 2:30 बज रहे हैं। और आंखें देख, लगता है रात भर नहीं सोई है लड़की। अरे वहाँ इस वक्त रात चल रही है। मैंने तुम्हें टाइम डिफरेंस के बारे में समझाया था ना, अभी 2:30 बजे हैं वहाँ। 2:30 बजे रात के? हाँ भाई रात के 2:30 बजे। स्वीटी ने पराठे क्यों खिला दिए मुझे दो दो? ओ बेटा लगता है कोई क्रॉस कनेक्शन हो गया है, तेरे पीछे का आदमी खड़ा है। Hi ma. I mean Kajal's ma. Hello sir. Hi sweetie. Who are you? I'm Jay. Thank you for spiking with us. And what can we do for you? मैं actually आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। और अच्छा होगा कि आप लोग अगर इधर आ जाएं और हम शादी के बारे में बात कर रहे हैं और बाकी की तैयारियां भी कर रहे हैं। मुझे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? तुम मेरी फैमिली के सामने मुझे प्रपोज नहीं कर सकते। तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया अब तक। You're right. मैंने अभी तक तुम्हें भी नहीं प्रपोज किया, क्योंकि मैंने ये सब प्लान थोड़ी ना किया। जैसे मैंने ये भी नहीं प्लान किया था कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। अभी जैसे तुमने कहा ना कुछ देर पहले, धीरे धीरे और फिर झट से बस हो गया। और अभी मैंने तुम्हें अपनी फैमिली के साथ देखा तो मुझे लगा कि आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो काजल, हर वो चीज जो काजल है, क्या तुम मुझे उसका हिस्सा होने दोगी? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आई थिंक यू बेटर बी क्वाइट नाउ। Yes, no, maybe. Okay. Say yes, no? Jay, please, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है, मुझे सोचने का टाइम चाहिए। सोच लिया? Stop it, Jay. I'm serious. देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये फैमिली सीन और ये सब कुछ बहुत नया है और तुम्हें अच्छा लग रहा है, पर क्या ये रीजन है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? ये एक रीजन है। एंड व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? मैंने तो यही सुना है कि शादी जो है वो दो परिवारों के बीच होती है। तो तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है ना? और ये बुरा है क्योंकि जय, लुक जय, हम दोनों की शादियां टूट चुकी है और मैं एक और डिवोर्स हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लूंगी। ठीक है तो ऐसा करते हैं, शादी नहीं करते हैं, वी विल जस्ट लिव इन। आर यू मैड? ये ऑप्शन ही नहीं है, मेरी फैमिली मुझे मार डालेगी। लेकिन तुम्हारे लिए ठीक है? जय नो। ठीक है तो शादी करते हैं, इसलिए तो कह रहा हूं शादी करते हैं। जय विल यू स्टॉप? तुम यहां बैठो, सिट हियर। तुम यहां बैठो और मैं यहां खड़ी रहूंगी और हम बात करेंगे। जस्ट टॉक। ओके, वी विल जस्ट टॉक। यस। तो पहला टॉपिक क्या है? ठीक है, शादी के बाद तुम्हें इजाजत है कि तुम काम पर जाओ। ओह माय गॉड, सो स्वीट। मुझे पता ही नहीं था कि शादी के बाद मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। सो क्यूट। और शादी के बाद मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम मेरे डैड्स की तरह कपड़े पहनो या उनकी तरह खाना भी बनाओ। कैन यू प्लीज बी सीरियस फॉर 2 मिनट्स? आई एम सीरियस। कैट्स? व्हाट कैट्स? कैट्स? पता नहीं ऐसे ही निकल आया, इन लव फॉर माय फ्यूचर वाइफ। स्टॉप इट प्लीज, स्टॉप इट। आई एम सीरियस यार, कैन वी अभी ये बातें करना बंद करें और कैन वी बिहेव लाइक अ शादीशुदा कपल? एक्चुअली वेट,
हम शादीशुदा कपल की तरह ही तो बिहेव कर रहे हैं। हम कर कुछ नहीं रहे हैं, बस बातें कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो अभी तक हमारे बीच में हुए ही नहीं है। ओके, मैं वादा करता हूँ मैं एक अच्छा पति बन के साबित करूँगा। वादा करते समय हम अक्सर वादे का मतलब नहीं समझते, बस ऐसे ही वादा करते हैं। शायद मैं अभी इस वादे का मतलब नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन ये वादा मैं निभाऊंगा जरूर, क्योंकि वादों को निभाना ही तो प्यार है। मैं जानता हूँ कि शादी से पहले सबको डर लगता है, और हमारी तरह फिर से अगर शादी हो तो और भी डर लगता है। तुम डरी हुई हो, सच कहूं तो मैं भी डरा हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये करें नहीं। इसका सिर्फ ये मतलब है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ ही करूं। Yes. 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 Yes, yes, as in yes, तुम मुझसे शादी करोगे? Yes. मुझे अभी तो ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी कहूंगा, अब हम जल्दबाजी नहीं करें। I guess हम कभी भी किसी को लेकर श्योर नहीं हो सकते। आगे रास्ते में क्या होगा ये तो रास्ते पर चलकर ही पता चलेगा। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि चाहे रास्ते में जो कुछ भी हो, तुम हमेशा मेरा साथ दो। Yes. मैंने कहा था ना कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस किसी का साथ। Yes. Yes, as in तुम मेरा साथ दोगे? Yes. So we've decided to get married. Oh my! Are you serious? That's fantastic! Oh, I love you. Congratulations. That's wonderful. Bless you. क्या हुआ? अरे, तुझे क्या हो गया? It's okay to get emotional. पहली बार मेरा बेटा अकलमंदी की बात कर रहा है। पहली बार? It's so true. किसी को भी किसी लड़की के साथ देखकर मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ जितना जय को तुम्हारे साथ देखकर। Oh come on, I mean it. KJ, I've heard that Indian Panjus are very particular about Riti Rivaj and all that. Yes. Mikey, we need to go to the airport to receive our samdhis. Of course. We can't keep our samdhi and samdhan waiting. Guys, actually, वो भी एक samdhi और samdhan expect कर रहा है. मैं उन्हें मिलकर ये बात बताना चाहती हूँ. मुझे उन्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा. उन्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा या हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा? आओ जी आप. दे दिया. तुम्हारी मॉम व्हीलचेयर पर? नहीं, उन्हें फ्री में सब कुछ अच्छा लगता है, इवन अ व्हीलचेयर. That's quite cute, actually. Oh. Hi, Ma.
हेलो सर। ओ जीता जीता जरा बेटा तुमने ये कब सीखा? गूगल से। हाय स्वीटी। हेलो। ही लुक्स बेटर पर्सनली देन इन वीडियो। चलें आइए। इसका कोई भारी शायद है स्वीटी की ब्याह करा दे। बाहर कुछ भी ना कुछ भी बोल रहा है। देखते डैडी क्या लिखे हैं डैडी। कोक जीरो कैलोरीज मां ड्राइवर नहीं है इसका। Oh, people like to drive themselves here. Pata to chale kitni gaadi hai ki like to drive themselves. Char. Kaun si char gaadi hai? Mom, can't I even joke? Ready to go? Oh, yes. Yes. Chale. Matlab gurdwara mein shaadi nahi hogi? Kyunki aapne ye sab jo pehen rakha hai. Hum log shaadi karane aaye hain na? Aur shaadi mein safed kaun pehenta hai? स्वीटी गुरुद्वारे में भी शादी होगी और चर्च में भी। गुरुद्वारे में तो शादी का जोड़ा का है? नो फेरे नो मेहंदी। व्हाट इज दिस जनरेशन यू बिलोंग टू समझाओ। मां स्टॉप इट प्लीज। हाथ विच जुराबे पाई है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं फिर से अपनी बेटी को दुल्हन बने देखूंगा। दुल्हन कहा की दुल्हन जी? ना लाल चौड़ा ना चूड़ा, इनकी सिली से सफेद पहन के खड़ी हो गई। बताओ चेक चेक। व्हाट आर यू? शट अप। हाय गाइस। जेब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। आई वांटेड टू सी योर आउटफिट और फिर सोचा कि आप सबको कहीं लंच के लिए भी ले जाऊं। भाई वाह। जेब लड़की को शादी से पहले उसके लिबास में देखना बैड लक होता है। रियली? क्यों? हु बिलीव्स इन ऑल दिस रबिश यार? वी डू। We believe in good Indian Riti Rivaj for after Shadi and before the Shadi. Ramdev ji. Mom, your dresses are ready. Your dress dekh kya? Ji bhi dress pehnaye. Tumhari maa mujhe taane kyun maar rahi hai? Kyunki tum hamare Riti Rivaj ki respect nahi kar rahe. I mean, tum hamari Riti Rivaj samajh nahi rahe. I can understand. But I have to say something. You're looking so cute and so hot in the bridal outfit. What are you doing? मेरी फैमिली यहाँ पर है। Just giving you a kiss. देखो फैमिली के सामने ये सब नहीं चल सकता। तुम नहीं समझोगे। तुम्हारे घर में औरत नहीं है तो। तुमने जो भी कहा। I hope कि तुम्हारी मदर भी इस तरह से कोई पहनेगी ड्रेस। मैं उन्हें बताने वाली थी लेकिन चाहे एक के बाद एक सैपा होता जा रहा है और हमारी फैमिलीज को भी मिलाना है। ओह नाइस। तो अब मेरे डैड्स को तुम्हारी फैमिली से मिलाना तुम्हारे लिए एक सैपा हो गया है। जय मेरा वो मतलब नहीं था। तुम गलत समझ रहे हो। अच्छी बात है ना, कभी हम बिना कुछ कहे एक दूसरे की सारी बातें समझ जाते हैं। और अभी सब कुछ कहकर भी लेकिन मैं कैसे समझूंगा मेरे घर में औरत जो नहीं है ना। सॉरी आई गॉट टू गो। क्या हुआ भाई? उसे भी कपड़े ट्राई करने हैं। फोन आया था। फोन की घंटी तो नहीं सुनाई दी? साइलेंस पे होगा। एक मिनट, ये 500 पाउंड्स उतारो जी। उठो जी। अरे और पता नहीं कितने खर्चे करवाओगे। इतना महंगा मैंने नहीं पहनना ये कपड़ा तो है ही नहीं। दे आर अ वेरी ट्रेडिशनल फैमिली जय। ओके पहली बार लड़की वालों के पास जा रहे हैं। See what we've got. Look at this red thali and the chawal and the kumkum and the kesar and the sindoor. Oh wow! Look at that. Isn't he looking marvelous, beta? I love it. Fantastic. Thank you, Jim. Thank you. Thanks, Jim. And see, Mike has got this fudge we can use for Mumita. Krish, Krish, 1,000 pound ka shagun theek hoga na? Of course. This is going to be beautiful cultural wedding. Let's not make it a Doordarshan program, though. Krish. What's that? I just love you guys so much. आप लोग ने इतना कुछ किया। Just love you guys. What? What's the problem? झगड़ा हुआ? किसने कहा कोई problem? जब बच्चे अपने parents को इतना प्यार करते हैं, तो that means there is a problem. What is it? Say it. This काजल की फैमिली के साथ कुछ छोटे इश्यूज हैं। हम शोर सब ठीक हो जाएगा। बेटा बेफिक्र रहो।
वैसे भी हम कल आ रहे हैं वहां पर, ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्वड, आई प्रॉमिस। थैंक यू जय। माइकी, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हम है। यू नो, रिश्ते जो होते हैं ना, वो रबर बैंड की तरह होते हैं। दैट्स अ न्यू वन, ये कभी पहले नहीं सुना। रियली? उन्हें स्ट्रेच कर करके खींच खींच के टेस्ट देना पड़ता है। जितना भी खींचो वापस वहीं आ जाना चाहिए। एग्जैक्टली, अब जाकर तुम रिश्तों को कुछ समझे। लेकिन अगर कहीं ज्यादा खींचा तो रबर बैंड टूट भी सकता है। मैं इंडिया कह रही थी कि रिबन लेके आओ, एक सेलो टेप, कितना लो क्लास लगता है। करने दो ना, अच्छा कर रही है। ये क्या चल रहा है सर? फर्स्ट टाइम समधी से मिल रहे हैं ना, तो हम लोग गिफ्ट्स लेके आए ये भाई साहब के लिए। आई होप ही लाइक्स इट। वुलन है? और भी दिखाना बेटा, क्या क्या है? देखिए, बहन जी के लिए फुलकारी दुपट्टा, रेड कलर। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ, बोलना बोलना। जय के पेरेंट्स नॉर्मल पेरेंट्स नहीं है, जय अडॉप्टेड है। और उसके पेरेंट्स की मेंटालिटी आप लोगों से बहुत अलग है। तो होगी। हाँ, और देखिए, गे? अरे, वी आर ऑल्सो वेरी गे, वी आर अ गे एंड हैप्पी फैमिली। माँ, गे मतलब जब दो आदमी एक दूसरे से प्यार करते हैं। Instead of boyfriend girlfriend, boyfriend boyfriend. That's right. ठीक हो ना? नहीं नहीं, मैं समझ गई मैं। ते फिर? No फिर माँ। How? No how, but no but. In this case, butty butt. माँ, लगता है वो लोग आ गए। आप लोग प्लीज नॉर्मल। माँ, आप पहले ऊपर बैठ। यहाँ ही ऊपर बैठ। अच्छा स्वीटी, जल्दी से ही सारा ठीक कर। जल्दी 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 जल्दी। करते 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 बेटा। सुजा। Thank you, please. Why are you getting this inside? What is this? ये क्या कर रहा है यहाँ पर? बेटा, तेरे घर में चज की जगह ही नहीं बैठने के लिए। समधी जी कहाँ बैठेंगे? तो मैंने ये नेबर से सोफा बोरो कर लिया। Why are you speaking about? You just bought the sofa. We're just delivering it. No. Thank you very much. You may leave. Thank you. ये सोफा आपने खरीदा, इतना horrible सोफा था। 60% sale पर था। Obviously माँ, इसे 90% sale पर भी कोई नहीं खरीदेगा। क्या बात कर रही है बेटा? Telephone booth जैसा लगता है। Come on, Dad. It's horrible. आप लोग इसे जल्दी set up कीजिए। मैं आई। मैं चलूँगी। आजा। चलिए, come on. एक मिनट. ये माँ, डैड और ये जय के पेरेंट्स हैं, माइकल एंड क्रिश। हाउ डू यू डू? प्लेजर। हाय मिस्टर कपूर। मम्मी जी, कृष्णा। कृष्णा, लगता है आपको इस लाइफ में आपकी राधा नहीं मिली है। प्लीज कम। आइए, बैठिए ना, प्लीज कम। बैठो। आइए जी, प्लीज। बैठिए जी, बैठिए। आराम नाल बैठो जी। दैट्स माय लिटिल सिस्टर। हेलो अंकल। तो जी। हेलो स्वीटी। हेलो। हाय स्वीटी। हाय। सो वी आर ऑल हैप्पी एंड गे। व्हाट शी मींस इज वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू। Very happy. जी, हम लड़के वालों की तरफ से छोटा सा शगुन है। आई मस्ट से कि प्योर लड़के वाले, 100% लड़के ही तो है। वो
we've also got something for you. Beta. Oh, how nice. Thank you. Can I open it? Oh, please. आप पता चलेगा कौन ही है और कौन शी है। Oh, look at this. Oh my God. It's beautiful. Lovely. Very pretty. It's awesome. Thank you so much. Thank you. Beautiful. 25 तारीख डिसाइड की है इस महीने की इन्होंने शादी के लिए। वैसे मैं बताऊं, I am very happy कि शादी यहाँ हो रही है। मतलब पिछली इसकी जो शादी हुई थी उसमें ना हमारे रिलेटिव्स बर्मिंघम और मैनचेस्टर से नहीं आ पाए थे, कम से कम इस टाइम तो आ जाएंगे। और फिर इंडिया के रिलेटिव्स जैसे ना प्रॉब्लम नहीं देते वो लोग। क्यों जी, इंडियन रिलेटिव्स का क्या प्रॉब्लम है? ओह, आपको नहीं पता? आपको कैसे पता होगा? अरे काजल के मामा है ना असनसोल वाले, उन्होंने उसकी लास्ट वेडिंग में ना 25,000 रुपये गिफ्ट दी। अब पूछ रहे हैं कि वापस देना पड़ेगा क्या? और वो छोटे चाचा जी थे ना वो वाले, तो उन्होंने ना माइक्रोवेव लिया था उसकी शादी में। तो अब पूछे वेयर इट्स गॉन, अब मैं क्या बताऊँ? मैंने कहा हो आई नो वेयर इट्स गॉन भाई। मैम ये सब आप क्यों डिस्कस कर रही है? अगर उन्हें गिफ्ट नहीं लाना है तो ना लाए। ऐसे थोड़ी होता है, कोई शादी में थोड़ी जाता है खाली हाथ। तो ना आए मतलब वेडिंग प्लानर्स ने ये जो लिस्ट भेजी, यू कैन टेक जी 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 चेक करें तो। स्वीटी चिप्स ला, चिप्स ला। मैं भाई साहब, नो थैंक यू, डोंट माइंड मी आस्किंग, आई एम वेरी क्यूरियस, हाउ डू यू बोथ डू इट? Krish, Dad, are you okay? Yeah, I'm Krish. Okay. No. I'm fine. I'm fine. मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया जी। जब भी हमें लगता है ना कि कोई चीज इतनी अच्छी है वो सच नहीं हो सकती, आमतौर पर वो सच नहीं होती। You know, too good to be true. I know what you're saying. अगर बाद में सब गलत होना ही है तो फिर शुरू में सही होने के साइंस क्यों मिलते हैं? Exactly. Life simple क्यों नहीं रह सकती? Good शुरू होना चाहिए good और रहना चाहिए good. बस मैंने आपसे कहा है ना कि अब शादी के खर्चे को लेकर टेंशन मत लीजिए। डैड, मैं और जय शादी का सारा खर्चा संभाल लेंगे। अब मैं अपनी बेटी से उसकी अपनी शादी का खर्चा तो नहीं करवा सकता ना। मेरे पास जो भी है उसमें एडजस्ट कर लेंगे। वैसे भी मैंने दो शादियों की प्लानिंग की थी, एक तेरी एक स्वीटी की। और मैंने आपकी सारी प्लानिंग खराब कर दी खुद दो शादी करके। नहीं ऐसा नहीं कहते बेटा। वो डैड मैं इसीलिए कह रही हूँ, प्लीज लेट मी टेक केयर ऑफ दिस, मैं और जय संभाल लेंगे और आपका बजट भी बच जाएगा और कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होगा। अब मेरा बजट कॉम्प्रोमाइज हो गया है तेरे लिए? दैट्स नॉट व्हाट आई मीन डैड। मम्मी इज कॉलिंग। डैड प्लीज। ओह डोंट वरी बेटा। जय व्हाइट और ब्लू। जय व्हाइट और ब्लू। जय प्लीज हमें बहुत डिसीजंस लेने हैं, हरी आप। व्हाइट। ओके व्हाइट डन। ओके लोकेशन हैव यू बुक्ड इट? लोकेशन हम कंट्री क्लब बुक कर रहे हैं बिकॉज़ इट्स क्लोजर टू द चर्च, 5 मिनट की दूरी पे है, सो पीपल कैन वॉक इट अप। ओके सो यू आर गोना बुक द कंट्री क्लब? या या या। जय तुमने कंट्री क्लब बुक कर दिया है ना? नहीं। क्यों? हां क्योंकि मैं सोच रहा था कि पार्टी क्यों ना मेरे घर पे ही कर ले,
वो कंट्री क्लब और चर्च के उतने ही पास है, तो सेम चीज होगा ना? Oh, well, I suppose that'll save you a few pounds, won't it? Yeah. Hmm. Anyway, whilst you're here, wedding invite. Yeah. Okay. तुम जानते हो, हम लड़की अपनी गुड़ियों की शादी क्यों करवाती हैं? क्योंकि बिना जाने कहीं ना कहीं उस छोटी सी उम्र से ही हम अपनी शादी की प्लानिंग कर रही होती है। हमारे लिए हमारी शादी का दिन छोटा सा नहीं होता, जो बस यूं ही निकल जाए। हम अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, अपनी गुड़ियों को सजाते हैं, हर फूल, हर रंग, हर डेकोरेशन के बारे में प्लानिंग करते हैं, हर चीज के बारे में सोचते हैं। मैं भी उन्हीं लड़कियों में से थी जो अपनी गुड़ियों के साथ साथ अपनी शादी के दिन की प्लानिंग कर रही थी। यू नो, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बड़ी सी शादी चाहिए, लेकिन मेरी शादी बस यूं ही कहीं भी कैसे भी क्यों हो, मैं ये नहीं एक्सेप्ट करूंगी। चाहे मैं मानती हूं कि मेरी दोबारा शादी हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करूं। मैं थक गई हूँ जय, I'm fed up ये सुन कर कि कैसे अंबाले वाले मामा जी और आसनसोल वाले चाचा जी गिफ्ट नहीं दे सकते हमें शादी पे, कि कैसे मेरे डैड ने सिर्फ दो शादी की प्लानिंग की थी और तीसरी शादी के लिए उनके पास पैसे ही नहीं है, और अब मुझे तुमसे ये सुनना पड़ रहा है कि अपने ससुर को इम्प्रेस करने के लिए तुम हमारी शादी अपने गार्डन में करवाना चाहते हो। अब उसके लिए तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? कम ऑन, तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही हो? चाहे क्या मैं चीख रही हूँ, क्या मैं चिल्ला रही हूँ, मैं ये गुस्से में नहीं कह रही हूँ, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि शादी में सिर्फ मैं ही हूँ जो सब कुछ कर रही हूँ, बाकी सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। किसी को शादी से प्रॉब्लम है, किसी को एक दूसरे से प्रॉब्लम है, या फिर एक दूसरे की फैमिली से प्रॉब्लम है। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी फैमिली क्रिएट कर रही है, और ऐसा नहीं है कि तुम अकेली हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, हम दोनों को एडजस्ट करना पड़ रहा है। उस दिन जब तुम्हारी माँ ने मेरे डैड का मजाक उड़ाया, मैं चुप रहा ना, और बात सिर्फ तुम्हारी माँ की नहीं है, शुरू में तुम्हें भी मेरे डैड बहुत कूल लगे, लेकिन जब मेरे डैड्स को तुम्हारी फैमिली के साथ मिलाने की बात हुई तुम एम्बैरेस्ड हो गई। शायद इसलिए तुम्हें इतना वक्त लगा तुम्हारी फैमिली को मेरे डैड्स के बारे में बताने में। दैट वाज नॉट गुड। लुक जय, ऑल आई एम सेइंग इज कि मेरी शादी में मुझे हर चीज के लिए किसी ना किसी से झगड़ा क्यों करना पड़ रहा है? आई एग्री विद यू, मुझे लगा हमारी शादी जो है वुड बी फन, मुझे नहीं याद कि मेरी पहली शादी में इतने प्रॉब्लम्स हुए थे, वहां तो डिवोर्स के बाद आल्सो वी हैड एन आफ्टर पार्टी। I'm sorry, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। I didn't mean that. यहाँ मैं अपनी शादी को लेकर स्ट्रेस्ड हूँ और मुझे अपने होने वाले हस्बैंड से ये सुनने के लिए मिलता है कि उसका पिछला डिवोर्स कितना बेटर था। यार मेरे से गलती हो गई, मैं कह रहा हूँ वो I should not have said that. लेकिन I'm sorry, जो तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारी माँ कहती रहती है ना, वो गलती से नहीं कहती। और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ और तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझता और उनके बारे में केयर नहीं करता। Really? तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में केयर करते हो? तुम समझते हो मेरे फीलिंग्स को? तो थोड़ा सा एफर्ट तुम हमारे रीति रिवाज को समझने में नहीं लगा सकते? ये उसी के बारे में, मुझे पता था ये सब कुछ तुम्हारे रीति रिवाजों के बारे में। ये सब के बारे में है। It's about everything. What do you mean forget it? अब तुम ये डिस्कशन एक just forget it के साथ करना चाहती हो? जय, ये डिस्कशन नहीं है, it's a fight. हम आर्ग्यू नहीं कर रहे जय, क्योंकि अब हम नहीं, तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली बन चुकी है, और मुझे अपनी शादी की शुरुआत ऐसे नहीं करनी। You're right. शादियां ऐसे शुरू नहीं होती हैं, शादियां ऐसे खत्म होती हैं। I'm glad कि हमने किसी पॉइंट पर तो एग्री किया। तो अगर ऐसा ही है तो इसे शुरू होने से पहले ही खत्म कर दो। मेरा ना सबसे बेस्ट आइडिया, और दीदी की फर्स्ट शादी की तो वेडिंग साड़ी थी ना, उसे काट के ना हम लोग लहंगा बना लेंगे।
पैसे भी बच जाएंगे, डैडी भी खुश, साड़ियां लहंगे सब बचा कर रखिए, कोई शादी नहीं हो रही। What you're saying, बेटा? मैंने कहा ना कोई शादी नहीं हो रही और मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। It's over and that's it. एक मिनट। That is not the way you talk to your mother. और जिस पेशेंट से हमने तुम्हें बड़ा किया है, अगर उसका आधा भी तुम में होता तो तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी शादियां इतनी जल्दी नहीं टूटती। वैसे मैं तो कहता हूं अच्छा ही है, इन लोगों की शादियां इतनी देर तक नहीं चलती कि वो बच्चे पैदा कर सके, क्योंकि पता नहीं है उनको बड़ा कैसे करते। अरे शादी एक कमिटमेंट है, एक जिम्मेदारी है, और तुम एक बार फिर उससे भाग रही हो। Really sorry to say, but तुम में वो मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि तुम रिश्तों की बारीकियों को समझ सको, इसीलिए तुम उन्हें तोड़ती रहती हो। और अगर तुम में इतनी समझ नहीं है तो तुम्हें अपने जिंदगी के फैसले लेने का कोई हक नहीं। मैंने तुम्हें बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अब बस, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी के फैसले हम दोनों लेंगे, वहीं शादी करोगी जहां हम कहेंगे। स्टार्ट पैकिंग। मैंने सोचा के चुरा लूं तेरे होठों की ये नमी, और ऐसे के रह जाए इस चोरी में ना कमी। तेरे सीने में मेरा दिल धड़के और रात गुजर जाए, मेरी आवारा सी नजरों को शायद घर मिल जाए। मैंने सोचा के चुरा लूं तेरे होठों की ये नमी। रेशमी जुल्फों के झरने खोल दो, पंखुड़ी से लबों की कुछ बोल दो, गर्दन की इस सुराही से कुछ जाम छलक जाए। मेरी आवारा सी नजरों को शायद घर मिल जाए। मैंने सोचा के चुरा लूं तेरे होठों की ये नमी।
कुछ कहो ना भी होने दो गुना जिस्म को तुम मेरे खुद में दो पना कोई चोर हवा दो जिस्मों से हो कर ना गुजर जाए मेरी आवारा सी नजरों को शायद घर मिल जाए मैंने सोचा के चुरा लूं तेरे होठों की ये नमी और ऐसे के रह जाए इस चोरी में ना कमी लो, just look at that देवदास। Now be careful what you say, Mikey, okay? Ooh, Mikey, ये तो मुंह बना के बैठा है। I don't understand. I thought you didn't love her. He's right. तुम उससे प्यार नहीं करते हो। सनी, तुम्हें तो प्यार का मतलब ही नहीं पता। He's right again. 30 सालों में पहली बार ही इज राइट 30 साल हम साथ रहे हैं लोगों का मजाक का टोकना सब बर्दाश्त कर चुके हैं यू थिंक आसान था ताने मारते थे लोग हंसते थे ऐसे घूरते थे बट वी न्यू वेरी अर्ली इन लाइफ दैट हमें एक दूसरे का सहारा बनना है It is very sad. तुम इस प्यार को कभी समझ नहीं पाया भागते हो प्यार से आसान रास्ता ढूंढते हो और जब हमने तुम्हें गोद लिया समाज के जो ताने हमें सुनने पड़े वो हम ही जानते हैं मगर फिर भी हम साथ रहे जो कुछ भी हुआ हम साथ रहे और हमने अपना एक छोटा सा परिवार बनाया औरों की तरह ये परिवार जन्म से नहीं मिला प्यार से बना है और प्यार का साथ हमने कभी छोड़ा नहीं दुख की बात तो यह है कि तुम इस परिवार से पर प्यार का मतलब नहीं समझते और अगर समझते तो जय तुम प्यार से इस तरह भागते नहीं पर मैं ज्यादा थोड़ी ना कुछ मांग रही हूँ बस किसी का साथ कि चाहे रास्ते में जो कुछ भी हो तुम हमेशा मेरा साथ दोगे आई एम सॉरी लेकिन मुझे तुम्हारे ये टकले पीले स्माइलीज बिल्कुल रोमांटिक नहीं लगते तुम हमेशा मेरा साथ बिल्कुल उसी तरह मुझे तुमसे प्यार पहले धीरे धीरे और फिर झट से पर मैं ज्यादा थोड़ी ना कुछ मांग रही हूँ बस किसी का साथ क्या सोच रही हो बेटा यू नो जब मैं तुम्हारी मम्मी को सबसे पहली बार मिला ना तो वो इससे भी ज्यादा मुंह फटती किसी से कुछ भी कह देती थी मुझे उनका भोलापन बहुत प्यारा लगा आई वॉज एब्सोल्युटली चार्म्ड बाय हर और अगर अब मैं चाहूं कि वो बदल जाए तो वो नहीं रहेंगे जिससे आपने प्यार किया एग्जैक्टली यू नो डैड जय और आपकी सोच काफी मिलती है
मैं और जय एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते हैं, फिर भी हम साथ में क्यों नहीं हैं डैड? अब तुम दोनों साथ क्यों नहीं हो उसी से पूछ लो। वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? You know, जब से हम मिले हैं, you just happen naturally to me. आज भी मैं कोई रिंग लेकर नहीं आया हूँ, मुझे तुम्हारे रीति रिवाज नहीं पता है, लेकिन मेरे पास एक लेटर है जो मैंने तुम्हें एक रात हमारी बातचीत के बाद लिखी थी, लेकिन कभी पोस्ट नहीं की। क्यों? पोस्ट क्यों नहीं किया? पता नहीं, याद नहीं रहा। लेटर कहाँ पर है? पढ़ो। ओके। डियर काजल, आई कांट बिलीव कि मैं तुम्हें खत लिख रहा हूँ। याद नहीं मैंने पिछली बार कोई लेटर या कुछ भी लिखा हो। आजकल हम लिखते कहाँ हैं, हर बात बस सिर्फ टाइप ही करते हैं। तुम सही कहती हो, हम ये छोटी छोटी खुशियाँ भूलते जा रहे हैं। तुम्हारी यही बातें बहुत अच्छी लगती हैं। आई लव द वे तुम्हें वो टकले पीले स्माइलीज अच्छे नहीं लगते क्योंकि तुम्हें लगता है वो रोमांटिक नहीं है। आई लव योर आइडिया ऑफ रोमांस। आई लव कि तुम चाहती हो कि तुम्हें कोई खत लिखे, कार्ड्स भेजे, ना कि SMS। आई लव कि तुम्हें लगता है कि ये दुनिया जो है वो तुम्हारी विश ग्रांट करने के लिए ही बनी है, और शायद तुम्हें सही लगता है। और वैसे भी तुम्हें चाहिए क्या, बस सिर्फ किसी का साथ? और तुम्हें किसी का साथ बहुत जल्द मिलेगा क्योंकि लाइफ ओज यू लव। लव, जय। देखो काजल, हम सबको कुछ और मिल सकता है। मैं परफेक्ट नहीं हूं, तुम परफेक्ट नहीं हो, लेकिन टुगेदर वी आर ब्लडी गुड। वैसे देखा जाए तो हमें कुछ कॉमन है ही नहीं। मैं 40+ का हूं, तुम 28+ की हो, और तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लॉक इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। प्रॉब्लम्स और तकलीफें तो आती रहेंगी, आज कुछ है कल कुछ और होगा, लेकिन इस बार मैं उन प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ मिलकर उन्हें सुलझाना चाहता हूँ। कभी तुम एडजस्ट कर लो, कभी मैं एडजस्ट कर लूँगा, लेकिन एक बात मैं कभी एडजस्ट नहीं करूँगा कि तुम मेरे साथ नहीं हो। Just shut up. अपनी बकवास बंद करो एंड इन किस मी। तुम्हारी फैमिली के सामने? तुम्हारी फैमिली नीचे खड़ी है और हमारी सारी बातें सुन। कभी तुम एडजस्ट करो, कभी मैं एडजस्ट करूंगी। एक्चुअली लाइफ बहुत सिंपल है, हर बात के इशारे हमें मिल ही जाते हैं, लेकिन हम जानते हुए भी अनजान बनते हैं। हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमें देखना है। तो अब तुम्हें पता चला तुम्हें किससे शादी करनी है? मिस्टर राइट से। चाहते हैं उनकी तरह सो क्वाइट। ये क्या हो रहा है इधर? एक्सक्यूज मी,
मैं अपने समधीज के साथ एडजस्ट कर रही हूँ. एग्जैक्टली. मम्मी जी, अब ये शादी कैसे होगी? They've started again. जब होती है घबराहट सी फिर होती है. बिन बात के सिर हंसी कुछ होती है. क्या मिलेंगे इस दिल को नई मंजिलें? क्या सजेगी